हाय एवरीवन, वेलकम अगेन गाइस। मैं हूं सतीश और आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ओके, सो इस पूरी थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो पूरा टॉपिक है मैंने इसी वीडियो में कवर अप कर दिया है। सो इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि अगर पार्ट्स में बनाओ तो उस तरह का मज़ा नहीं आता, उस तरह का फ्लो नहीं आता। तो इसलिए मैंने वीडियो को एक ही वीडियो में सारा लेक्चर कवर अप कर दिया है। सो इसका जो नोट्स हैं वो मैंने मेंबरशिप ग्रुप में डाल दिए हैं। सो जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली सुपरवाइज़र की, सो गाइस जल्दी से जल्दी ले लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो ये नंबर जो आप देख रहे हो इस पर कॉल करो सिंपल। सुपरवाइज़र एग्ज़ाम एक ग्रुप क्या है, उसमें क्या क्या हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको। सो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो पहले थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो मैं आपको बताऊँ, ताकि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो मज़ा आता पढ़ने का। तो सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो मीनिंग एक इंग्लिश में आपको लाइनें पढ़ाने से बेटर है कि मैं आपको अपने तरीके से इसका क्रक्स जो है ना, एसेंस जिसे बेस बोलते हैं, वो बताऊँ। देखो डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने जो डेफिनेशन दी है रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उनको निचोड़ के उनका बेसिक अगर मैं बात करूं तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला आ गया आपका क्वांटिटेटिव, दूसरा आ गया क्वालिटेटिव। मत समझ आ रही है ना? आई मीन टू से कि जितने भी डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने जो अपने डेफिनेशन दी है उनको मतलब उनमें सिमिलैरिटीज़ जो है ना, वो एक ही जो उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं उस चीज़ को हमने डिस्कस किया है दो पार्ट्स में डिवाइड करके। एक हो गया क्वांटिटेटिव और दूसरा हो गया क्वालिटेटिव। ठीक है, तो अब क्वांटिटेटिव से आप एज यू नो मतलब होता है हमारा गिनती से, नंबरिंग से। ठीक है, प्रतिशत या मात्रा जिसे हम लोग बोलते हैं। क्वालिटेटिव से हमारा मतलब होता है उसकी क्वालिटी से। ठीक है, उसका गुण कैसा है। ठीक है, देन अब इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्वालिटेटिव में आपकी तीन चीज़ें आती हैं, सॉरी क्वांटिटेटिव में। पहला हो गया आपका इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। देखो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसको हमने समझने के लिए हमने उसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में सबसे पहली जो टर्म आती है वो है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब ये क्यों है, नेशनल इनकम होता क्या, पहले मैं ये बता दूं। देखो हमारे देखो किसी भी कंट्री में पूरे साल का जो भी प्रोडक्शन होती है, उस प्रोडक्शन से जो इनकम प्रोड्यूस होती है उस चीज़ को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। और जो बाहर की जो इनकम आती है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू जो बिजनेस होता है उससे जो इनकम आती है वो भी इंक्लूड इसी में की जाती है। ओके, सो मतलब अगर मैं बात करूं कि नेशनली इंटरनेशनली जो भी प्रोडक्शन से जो भी इनकम जनरेट होती है उस चीज़ को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम जो है वो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा हो और कंटिन्यूसली हो रहा हो तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और इसी बीच में बात आती है नेक्स्ट, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब हो गया इन पर कैपिटा इनकम मींस कि एक कंट्री के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी उनके हिस्से में जो मतलब उनको उनका जो हिस्सा है वो उनको कितना मिलता है। फॉर एग्जांपल मतलब उनकी वेजेस में या उनके हिस्से में जो पार्ट आता है, ठीक है, नेशनल इनकम का वो कितना है। एक्चुअली अगर ये चीज़ जो है ना पर कैपिटा इनकम, ये चीज़ एक्चुअली डिफाइन करती है, ये चीज़ एक्चुअली दिखती है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर से, सॉरी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल से। ठीक है, ऑब्वियसली जब एक इंसान जब उसकी उसकी जो वेजेस हैं या उसकी जो कमाई है वो इंक्रीज़ होगी तो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है इंक्रीज़ होगा। जब एक इंसान के लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ होगा तो वहाँ से दिखता है कि ये कंट्री मतलब जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर तरफ बढ़ रही है। ठीक है, जब उसमें कंटिन्यूसली जो इंक्रीमेंट हो रहा हो। नेक्स्ट इसी में बात करेंगे इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्शन। ओके, सो मतलब कि एक नेशन में जितनी भी प्रोडक्शन में जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है उसका कितना प्रतिशत जो हिस्सा है जो है पर इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल के हक में जाता है। ठीक है, सो अगर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है एंड कंटिन्यूसली हो रहा है तो उस चीज़ को हम कहते हैं
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप आपको पता लग गया होगा, क्वांटिटेटिव में आता ही है। क्वालिटेटिव में आ गया आपका वेलबींग ऑफ पीपल, मतलब लोगों की सेहत वगैरह वो कैसे हैं, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजिंग अगर हो रही है तो उस चीज़ को कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये पार्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसी तरह से इंक्रीज इन एजुकेशन सिस्टम, सोशल जस्टिस और रिमूव इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती है आपकी क्वालिटेटिव में। अब आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये जो प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका मीनिंग क्या है इन कॉमन टर्म, इन कॉमन डेफिनेशन। यहाँ पे मीनिंग दिया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो यूजली रेफर करता है अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज हो गया, ठीक है, और ट्रांजेक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड टू इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी एंड जनरेट इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और एग्रीकल्चर बेस्ड जो सोसाइटी हो उसको इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी में चेंज करना, जिसके थ्रू एक लिविंग स्टैंडर्ड है एक इंडिविजुअल को वो इम्प्रूव हो सके, एंड दैट्स टर्म वी कैन से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। सो अब हम बात करेंगे, हम अब आते हैं मेन चीज़ पे, और वो मेन चीज़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी। अब थ्योरीज में मतलब एज यू नो कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बहुत सारे मतलब जब स्टार्टिंग में सोसाइटी जब स्टार्ट हुई होगी उस टाइम से लेके अब इस टाइम तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। सो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो हैं दो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने दी हुई है रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो उन थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। बेसिक जो लेक्चर है वो यही है। सो इसका जो नोट्स है वो मैंने ऑलरेडी उसमें मेंबरशिप ग्रुप में डाल दिया है गाइज, तो आप वहाँ मैंने थोड़ा अच्छे वे में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको डाला हुआ है। एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी कोशिश यही रहती है कि मैं एक सिंपल वे में आपको आपके सामने हर चीज़ को रिप्रेजेंट करूं, ताकि नॉन सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी मतलब सोशल साइंस या सोशियोलॉजी कभी पढ़ी नहीं, उन बच्चों को भी प्रॉब्लम ना आए मेरे लेक्चर के थ्रू, ठीक है। सो इसमें हम कौन कौन से जो थ्योरीज है वो पढ़ेंगे, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट, लेट्स वी डिस्कस फर्स्ट। तो पहला जो थ्योरी है वो आ गया आपका मर्केंटलिज्म, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक नेशनलिज्म, देन लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल, स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी, इंटरनेशनल डिपेंडेंस, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एथनिसिटी, ठीक है, एथनिसिटी। सो ये कुछ थ्योरीज हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। और थ्योरीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपको वहां पीएचडी नहीं करनी इन सब चीज़ों पे, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपने क्या देखना है कि इस थ्योरी में, अगर फर्स्ट थ्योरी जो है मर्केंटलिज्म, तो इसको मतलब ये कब आई थी, ठीक है, और इसका मेन जो असेंस है ये किस चीज़ के ऊपर ये एक्चुअली प्रपोज की गई थी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी, क्योंकि पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, आपने लिखना नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके एक्सप्लेनेशंस को। सबसे पहली जो थ्योरी है मर्केंटलिज्म, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एक इकोनॉमिक थ्योरी है, और यहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट जो थी वो एक्चुअली रेगुलेट करती थी इकोनॉमिक और ट्रेड को टू प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अंडरस्टैंड। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये सबसे फर्स्ट टाइम पे जब कभी सोसाइटी स्टार्ट हुई होगी, जब कभी ये कंसेप्ट आया होगा इकोनॉमिक क्या है, इन चीज़ों पे वर्कआउट किया होगा, तो ये उस टाइम के सबसे वेरी फर्स्ट अर्लीस्ट स्टेज जो हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या था कि जो गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, वो रेगुलेट करती थी इकोनॉमिक और ट्रेड सिस्टम को, किस लिए, टू प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, ठीक है, और किस पे, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब कि किस पे, किसी दूसरी स्टेट, किसी दूसरी कंट्री के खर्चे पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है कि जो मर्केंटलिज्म है वो एसोसिएट था पॉलिसी के, किसके, विद विच रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट। मतलब कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, मतलब कि इंपोर्ट होगा बाहर से मंगवाना और एक्सपोर्ट होगा यहाँ से बाहर भेजना, ठीक है। तो एक्चुअली ये इसमें क्या था, इस थ्योरी में क्या था कि इंपोर्ट में इंपोर्ट कम होता था, ठीक है, लेस होता था एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से क्या होता था, इनका जो स्टॉक होता था गोल्ड का वो इंक्रीज होता था, और देन उसके बाद जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती थी उस चीज़ की प्रोटेक्शन रहती थी, ओके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म।
इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो थी, ये आप ऐसे कह सकते हो, इट इज़ होली सोली इन फेवर ऑफ मर्केंटलिज्म। ये ऊपर वाली जो थ्योरी हमने पढ़ी ना, ये उसी का आप लोग प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन समझ सकते हो। तो ये पॉलिसी जो है ये बनी थी एसोसिएट मतलब हुई थी 19th century में, और जो नेम है इसके साथ जो एसोसिएट हैं वो है अमेरिकन अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जर्मन अमेरिकन ये फ्रेडरिच रिस्ट, ठीक है, और हेनरी क्ले जो अमेरिकन थे, ठीक है। और इस थ्योरी में एज आई अर्लियर टोल्ड दैट कि इट रेफर्स टू एन आइडियोलॉजी दैट फेवर स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक विच पॉलिसी दैट एम्फसाइज डोमेस्टिक कंट्रोल ऑफ द इकॉनमी। देखो मैंने ये आइडियोलॉजी थी एक्चुअली जो फेवर करती थी स्टेट के इंटरवेंशन को, किस में, इकोनॉमिक सेक्टर में, विद पॉलिसीज, ठीक है, जो एम्फसाइज करती थी डोमेस्टिक कंट्रोल ऑफ द इकॉनमी, लेबर को और कैपिटल इंफॉर्मेशन को, अंडरस्टैंड। एज यू नो एट दिस टाइम देर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है, बट ये हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब स्टार्टिंग में, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किस किस थ्योरी में क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ जो थी इम्पॉर्टेंट थी। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म में इंपॉर्टेंट क्या था, तो ये एक्चुअली ये आइडियोलॉजी जो फेवर करती थी इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक सेक्टर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट आगे उन्होंने वही इसको डिस्कस किया गया है फर्दर कि इस ये जो टाइप थी इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो था, दैट वाज अ डॉक्ट्रिन ऑफ मर्केंटलिज्म, एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये जो था दैट इज एज सिमिलर एज मर्केंटलिज्म थ्योरी, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल, ओके, लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल। सो इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली फर्स्ट ग्रोथ थ्योरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियन वॉल्टर रोस्टो, ठीक है, ये कब बनी थी, 1960s में ये एक्चुअली जो वॉल्ट रोस्टो ने ये प्रपाउंड की थी, और इसमें उन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमिक जो है ना, इकोनॉमिक्स मस्ट गो थ्रू अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस टूवर्ड ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक सेक्टर जो है उसे एक मतलब उसको जो नंबर ऑफ डेवलपमेंट है, स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंट की, उसके मतलब उसके साथ जो है गो करना चाहिए, क्यों, ताकि वो एक ग्रेटर इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उस चीज़ को पा सके, ठीक है। ही आर्गू दैट दिस स्टेज फॉलोड अ लॉजिकल सीक्वेंस, कहते हैं कि ये जो स्टेजेस हैं ये लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, और हर एक स्टेज को तभी छोड़ना चाहिए जब पीछे, मतलब हर एक स्टेज को तभी एक्सेप्ट करना चाहिए या रीच करना चाहिए जब पिछले वाली जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है। सो इसकी स्टेजेस जो हैं वो मैंने डिस्क्राइब की है नोट्स में, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएंगी। इसमें पहली जो स्टेज उन्होंने बताई है वो बताई है, मैं थोड़ा सा वो भी दे दूँ। पहली स्टेज जिसमें आता है इनके बैलेंस सोसाइटी, जिसमें ये डिस्कस करते हैं कि जो पुरानी सोसाइटी में पहले जो सोसाइटी थी दैट वॉज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, देर वॉज नो इक्विपमेंट, देर वॉज नो यू नो एडवांस इक्विपमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। उसके बाद ही बात करते हैं प्री टेक ऑफ की, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब विद द फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन एंड विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंस दैट लीड्स टू दी यू नो फॉर्मेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योर होते हैं कि जो बिजनेस मैन होते हैं उनको क्रिएटअप किया, ठीक है। उसके बाद आ गया फिर टेक ऑफ, ठीक है। इस तरह की जो वो जो स्टेजेस है वो मैंने ग्रुप में उसमें नोट्स में डाली हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, आपको अपने सिर्फ रीड आउट करना है, देन यू विल कम टू नो एवरी थिंग, ईच एंड एवरी थिंग, वट एवर यू नो विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो अभी लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी की, ठीक है। ये एक्चुअली लेविस मॉडल है जो प्रेजेंट किया गया था 1955 में, ठीक है, और इसको ये डेवलप 1960 और 70 में हुई थी।
इसमें फोकस जो किया गया है, इट फोकस्ड ऑन द नीड फॉर कंट्री टू ट्रांसफॉर्म देयर स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर विद लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर टू बड़ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विद हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. ठीक है, इस मॉडल में एक्चुअली इस चीज़ पे जोर दिया गया था, इस चीज़ पर फोकस किया गया था कि कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए अपने स्ट्रक्चर को, कहाँ से एग्रीकल्चरल से, यहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी है लेबर की, किसकी ओर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को, वेयर देयर इज अ हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. अंडरस्टैंड? सो मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज की चेंज जब आया तो आप यहाँ से भी यू नो यू कैन गेस कि स्ट्रक्चर चेंज की बात हो रही है. तो इट्स टॉकिंग अबाउट कि हमारा जो पहला जो सिस्टम था एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस था, उस चीज़ को शिफ्ट करना चाहिए हमें इंडस्ट्रियल के ऊपर. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है देर इज नॉट एवरीथिंग यू नो रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्सिस या ह्यूमन हार्डवर्क. देर इज समथिंग इन एग्रीकल्चर, इफ आई टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर, देर आर सो मैनी फैक्टर विच इज डिपेंड ऑन नेचुरल. ठीक है, अगर मैं रेन की बात करूं या अदर फैक्टर्स की बात करूं तो लेकिन वहां पर क्या रहता है, वहां पर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस नहीं रहती एग्रीकल्चर पर्पस में. इसलिए उन्होंने कहा था कि जो हमें शिफ्ट करना चाहिए एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की ओर. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में देर इज़ अ इफ वी पीपल यू नो फील दैट वी कैन मेक अ कंटिन्यूसली सक्सेस इन दिस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, यू नो व्हाई, बिकॉज देर इज just and just things depend on human forces, human labor. Understand? So ये हो गया आपका. Next जो है, next बात करेंगे हम international dependence theory. देखो international से हमारा जो बात होगी मतलब international level पे, और dependence theory मतलब किसी पे depend होना. ठीक है, और इस theory, ये जो theory थी ये इस पे research किया था हमारे रॉल रेपिस ने. तो actually उन्होंने एक चीज़ found की थी कि जो इंक्रीज है दी वेल्थ ऑफ द रिचर नेशन, मतलब रिचर नेशन जो थे, डेवलप्ड नेशन जो थे, उनकी जो वेल्थ में जो इंक्रीमेंट हो रहा था कंटिन्यूसली, वो कहाँ पे दिख रहा था? वो एक्चुअली दिख रहा था एक जो पुअर नेशन थे जो डेवलपिंग नेशन थे, उनकी कीमत पे वो चीज़ें जो थी वो दिखी जा रही थी. अब कैसे? फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ. जैसे उन्होंने नेक्स्ट एक्सप्लेन किया फर्दर कि जो थ्योरी थी इसने क्या देखा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वो इकोनॉमिकली और पोलिटिकली जो है वो डिपेंड है किस पे, मोर पावरफुल और डेवलप्ड कंट्रीज़ पे. ठीक है, अब उन्होंने ऊपर क्यों ऐसा कहा कि रिचर कंट्रीज जो थी उनकी जो वेल्थ जो इंक्रीज हो रही थी वो दिखी गई किसके, पुअर कंट्रीज़ के कीमत पे. क्योंकि पुअर कंट्रीज़ जो थी उस टाइम पे ये जो पावरफुल कंट्रीज थी इन्होंने क्या किया, उनको डिपेंडेंट कर दिया अपने ऊपर. वो डिपेंडेंट आप किसी भी तरह से समझ सकते हो कि मतलब पोलिटिकली सोशली दोनों, पोलिटिकली इकोनॉमिकली, क्योंकि इनके पास जो obviously जो developing countries है they don't have a lot of resources, even they may be have a good resources but they don't have a machinery like that so they can consume that for their own benefit. तो क्या होता था कि वो जो developed जो nation होते थे वो लोग developing countries के वहाँ से actually वहाँ के resources को exploit करते थे, वहाँ की labor को exploit करते थे. ठीक है, so यही सारा चीज़ें जो थी वो discuss की गई थी इंटरनेशनल डिपेंडेंस थ्योरी में. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है न्यू क्लासिकल थ्योरी. तो इसमें क्या था वो हम डिस्कस करते हैं अभी. तो न्यू क्लासिकल जो थ्योरी है वो ये आगू करती है कि जो गवर्नमेंट है ना उसको इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक सेक्टर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. ठीक है, इन अदर वर्ड ये जो थ्योरी है क्लेम करती है कि ऑब्स्ट्रक्टेड फ्री मार्केट इज़ द बेस्ट मीन फॉर इंडक्टिंग रैपिड एंड सक्सेसफुल डेवलपमेंट. कि एक जो फ्री मार्केट है ना, मतलब यहाँ पर किसी का किसी की रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी के इलाज ना हो, इवन देर इज़ नो ऑफिशियल बॉडी इंटरवेन इन द प्रोसेस ऑफ दैट थिंग, तो वहाँ पर जो सक्सेस है ना, जो सक्सेस डेवलपमेंट जो सक्सेस है वो बहुत रैपिडली जो है वो ग्रो करती है. ठीक है, सो यहाँ पर कहा नेक्स्ट कहता है कि अ थ्योरी यूज्ड इन इकोनॉमिक दैट आइडेंटिफाइड कि ये जो थ्योरी है एक्चुअली इसने आइडेंटिफाई किया था कुछ फैक्टर्स को फॉर द ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और वो एम्फोसाइज करता है थ्री फैक्टर्स को दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड इकोनॉमी. वो क्या था? पहला हो गया आपका कैपिटल, देन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी.
देखो इन शॉर्ट मीन्स कि ये थ्योरी जो है ये कहती है कि तीन फैक्टर जो हैं उन चीज़ों पे एम्फोसाइज करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी में। और वो कौन कौन से तीन फैक्टर्स हैं? पहला आ गया आपका कैपिटल, मतलब पैसा। देन उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब कि जो काम करने वाले लोग हों, ठीक है। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी। इट स्टेट दैट अ टेम्परेरी इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड विद कैपिटल साइज, मतलब जो टेम्परेरी है ना इक्विलिब्रियम, वो हम अचीव कर सकते हैं कैपिटल साइज से, लेबर से, टेक्नोलॉजी से, इज अप्रोप्रिएटली एडजस्टेड। नेक्स्ट कहता है कि जो टेम्परेरी इक्विलिब्रियम जो है वो डिफरेंट अ लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम विच डज नॉट इन्वॉल्व इन एनी, जो मतलब किसी भी, ये जो तीन फैक्टर मैंने हमने बताए हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होता। सो गाइज ये था डेफिनेशंस और सॉरी थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो मेन चीज़ ये नहीं होता कि मतलब पढ़ाने को आप कहीं से भी कुछ भी थोप दो, लेकिन मेरा प्राइम नेचर यही होता है कि मैं आपको इजी से इजी करके दूं ताकि आप इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करूं। सो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा ये सारा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकें। तो फाइनली साइनिंग ऑफ, दिस इज सतीश, बाय।